आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में नई सरकार तो बन चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी सवाल है आखिरकार मंत्रिमंडल कब बनेगा और इस मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल हो जाएंगे। तो इसको लेकर जो है बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के लिए अगर बात करें तो जो बागी विधायक है उनको लिए और जो यहाँ पर सिंधिया समर्थक है उनके लिए इस मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों को यहाँ पर जगह मिल सकती है, इस पर भी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। और अगर बात करें तो मंत्रिमंडल का गठन कब होगा इसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है। जो मंत्री यहाँ पर कमलनाथ सरकार से बागी हुए थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था, अब उन बागी विधायकों में कितने नए चयनों को शामिल किया जा सकता है। देखिए अगर बात करें देश में जिस सरकार के हालात है उसको देखते हुए मंत्रिमंडल का गठन इस वक्त तो हो नहीं सकता, लेकिन इस पर खबर है कि अप्रैल माह में जो है इस पर जो है चर्चा हो सकती है और मंत्रिमंडल में इतने लोगों को शामिल किया जा सकता है। बताने आपके लिए कि 22 जो कांग्रेस विधायक है उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिनमें से 6 यहां पर मंत्री है, जिनमें तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह तोमर समर्थक हैं, जिनमें अगर बात करें तो 16 यहां पर विधायक भी हैं। आप किसको क्या मिलेगा इस पर भी जो है बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। शिवराज की टीम में इस बार 24 से 26 लोगों की यहां पर टीम बनने जा रही है, जिनमें 6 से 8 राज्य मंत्री हो सकते हैं। हालांकि शिवराज सिंह के सामने ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो किनको यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल करें। बता दें कि शिवराज सिंह यानी विधानसभा चुनाव जब हुए थे जिनमें से बीजेपी के 13 मंत्री चुनाव हार गए थे और जबकि कुछ को टिकट ही नहीं मिला था। इस बार जो है अगर बात करें तो जीत कर जो यहां पर मंत्री रहे हैं पिछले सत्र में, अगर जगदीश देवड़ा, अजय बिश्नोई, यहाँ पर करण सिंह वर्मा, कमल पटेल, मीना सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, हरिवंश खटीक और गोपीलाल जाटव चुनाव जीतकर आए हैं, तो इनका लगभग जो है मंत्रिमंडल तय माना जा रहा है। लेकिन इससे पूर्व भी कुछ और विधायक हैं जो कि 3 या 4 बार विधायक रह चुके हैं। इनमें अगर बात करें तो ओम प्रकाश कलेंचा, यशपाल सिंह सिसोदिया, राजेंद्र पांडे, देवेंद्र वर्मा, रमेश मेंदोला और उमा ठाकुर आदि शामिल है। इसके अलावा भोपाल से रमेश वर्मा और भिंड से अरविंद भदौरिया भी दावेदार माने जा रहे हैं। बता दें आपके लिए कि यहां पर गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा और भूपिन सिंह का कद बढ़ना यानी उन्हें काफी बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जो कि यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री और परिवहन मंत्री रह चुके हैं, इसको लेकर भी इस बार उनको बड़ा कद यहाँ पर मिलने वाला है। और विश्वास सारंग भी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं और संजय पाठक को भी यहाँ पर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। जालम सिंह पाटिल को भी कैबिनेट मंत्री में जगह मिल सकती है। अरविंद सिंह भदौरिया को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय कोटे से कमल पटेल मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा विंदर रीजन से राजन शुक्ला दावेदार माने जा रहे हैं। अगर आपके लिए और जानकारी बताए तो केदार शुक्ला, नागेंद्र सिंह और गिरीश गौतम में से किसी एक को यहाँ पर मंत्री पद यहाँ पर मिल सकता है। भोपाल से रामेश्वर वर्मा, मोहन यादव, यशपाल सिंह सिसोदिया और नीना वर्मा में से किसी एक को मंत्री पद यहाँ पर दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंधिया समर्थक के लिए कितने यहाँ पर मंत्री पद दिए जा सकते हैं। खबरों के हिसाब से, सूत्रों के हवाले से यहाँ पर सिंधिया समर्थक यानी 22 में से 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं और इनके नाम है 4 जो नए नाम है, 6 जो पहले मंत्री ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस सरकार में उनको मंत्री पद यहाँ पर मिलना तय है, लेकिन 4 और लोगों को यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है सिंधिया खेमे से, जिनमें आदिवासी चेहरा शशुलाल सिंह, हरदीप सिंह डंक, एदल सिंह कशाना और राजवर्धन सिंह दंतीगांव का नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए कुछ चुनिंदा जो है यहाँ पर मंत्री जिनको पद दिया जा सकता है उनके नाम यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। और आपकी जानकारी बता दें कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। जिस प्रकार के हालात मध्य प्रदेश के उसको देखते हुए जो है आने वाले समय में मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। और आपको क्या लगता है इस बार जो है मध्य प्रदेश सरकार यानी शिवराज सिंह सरकार कितने जो है बीजेपी और कांग्रेस यहां पर मंत्री पद बनाएंगे, तो अपने कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप प्ले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।